हेलो दोस्तों, आज हम मैनुअल ट्रांसफार्मर डाटा के में आज चलते हैं। हम 4 KVA के डाटा आप जानेंगे। हमने 3 KVA तक का डाटा आपको बताया था, तो 4 KVA का आप डाटा जो अच्छी कंडीशन में हो, अच्छी काम करे, तो हम उसे बता देते हैं। तो 4 KVA का मतलब हो जाएगा लगभग 3200 वाट आपकी पूरी कंप्लीटेड हो जाएगी, यानी कि 3200 वाट तक आप लोड दे सकते हैं। और उसके बाद आप चाहे तो उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ में कितने लोड में देने हैं। तो चलिए हम 4 KVA का डाटा के बारे में बात करते हैं। तो 4 KVA का डाटा अगर आपको अच्छे कोर में, यानी कि C6 या किसी और उससे बढ़िया कोर में आप डाल सकते हैं। छोटे स्टेबलाइजर को आप किसी भी कोर में बांध सकते हैं, लेकिन बड़े स्टेबलाइजर को आपको अच्छी कोर में बांधनी होगी, रिवाइंडिंग करनी होगी। तो चलिए हम 4 KVA का डाटा के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो 4 KVA के डाटा है, और उस पर अब हम चलते हैं बॉबिन साइज। बोबिन साइज है जो आपकी 7 नंबर 4 इंच हो जाएगी आपकी। और इसमें आप चाहें तो वायर का प्रयोग जो है 15 SWG का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी बनानी हो, अच्छी क्वालिटी बनानी हो, तो आप 15 SWG के बदले आप 14 नंबर की तार, यानी कि 14 स्टैंडर्ड गेज वायर का आप उपयोग कर सकते हैं। और रह गई बात इसकी डिटेल की, तो चलिए हम इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे न्यूट्रल ही रहने देता हूँ, और यानी कि न्यूट्रल का अर्थ है 0। और उसके बाद आपकी ये थोड़ी सी जो फर्स्ट लूप है वो आपको 125 टर्न उसके बाद आप सेकेंड टर्न जो है यहाँ पर आप जो से 0 कर देंगे, और आप 20वें टर्न से इसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 टर्न हो गई, और उसके बाद आप उसके बाद सॉरी ये फॉन्ट्स थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद आप 40 टर्न उसके बाद 60 टर्न उसके बाद 80 टर्न उसके बाद 100 टर्न उसके बाद 120 टर्न उसके बाद 140 टन आप डाल सकते हैं। और इस तरह आप लगभग 4 KVA का स्टेबलाइजर आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4 KVA से ज़्यादा 5 KVA या 6 KVA का लोड देना हो, तो उसके लिए अलग से बनाना होगा। ये आप एक सिंपल DG वाले तक को भी दे सकते हैं। और फिर मैं इसके वायरिंग डायग्राम के बारे में भी आगे वीडियो बना दूंगा। आप फिलहाल डाटा को अच्छी तरह देख लें, और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप डाटा देख रहे हैं
तो उस डाटा को आप उस वक्त लिखते चले जाएं, उससे फायदा ये होगा कि आपको बार बार एक ही वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा कि इसमें आपको और क्या सुधार चाहिए या फिर क्या चाहिए, तो मैं उसके अनुसार आपको वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।